हेलो दोरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 1 सितंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है, हर रोज मैं कराता हूं प्रातः सुबह 6 बजे अपनी डेली करंट का तहलका में 10 से 12 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी करंट अफेयर की क्लास। सुबह प्रातः सुबह 6 बजे प्रॉपर तरीके से मैं करवाता हूँ, हर क्वेश्चन को डीपली समझाते हुए चलता हूँ जो कि आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी बच्चा है SSC रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या NDA से स्टेट PCI तक जो बच्चा तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है इन पेपरों को लेकर के, उनके लिए डेली करंट का तहलका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है प्रातः सुबह 6 बजे में अपलोड कर देता हूँ या अपनी प्रस्तुत कर देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। आइए, आज 1 सितंबर है तो मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पहले, सबसे पहले सितंबर की महत्व दिवस जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाता चलूंगा डे बाय डे के अनुसार, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो है ये 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है हर साल के अंतर्गत, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि 1 सितंबर को NCERT मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिवस मनाया जाता है आज के में। आइए इसके बारे में बता दूं, 1 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का 62वां स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1 सितंबर 1961 से भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता को प्रदान करने, ठीक है, वो ये उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और देश विदेश के या अपने कार्यक्रम को लेकर के पाठ्य पुस्तक संवाद पत्र इन सभी को बढ़ावा देना, एकजुट करना, ठीक है। और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान परिषद जो है NCERT, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जबकि इसकी कई घटक इकाइयां देश के अन्य हिस्सों में स्थापित है। NCERT जो है यह देश के सभी द्विपक्षीय संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए भी एक कार्यान्वयन एजेंसी होती है। NCERT अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं वार्ता करती है और अन्य विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करती है। कौन? NCERT, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड की शुरुआत में। राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा CM उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपको पता ही होगी, और अरुणाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के, कश्मीर के थे, उत्तराखंड के हैं, आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से पुष्कर धामी जी। तो इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस कब था? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, उनका जन्मदिवस होता है। इनके बारे में काफी चर्चा कर चुका हूँ। तो आइए, इनको जो पुष्कर धामी, इन्होंने उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है CM के तौर पर, ठीक है। तो आइए थोड़ा मैं बता दूं, इस मौके पर राज्य खिलाड़ियों को अपग्रेड करना और उनको घोषणा की गई कौन कौन सी। इन्होंने 8-8 विभागीय खेल प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है और उत्तराखंड का खेल विभाग भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक के बराबर मानोदय वृद्धि करेगा। खेल नीति में मलचंग का खेल है एक जो कि शामिल किया गया है, इसमें जो टोटल कुशल खिलाड़ी होंगे उनमें 4% आरक्षण को फिर से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। और मुख्यमंत्री इमर्जिंग प्लेयर अपग्रेडिंग स्कीम के तहत उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये से लेकर 1400 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत हो रहा है। कुल 3900 नवोदित खिलाड़ी हैं और 1950 लड़के और 1950 लड़कियां हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य खेल पुरस्कार के साथ साथ हिमालय रन खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जा रहे हैं इसमें, इसी योजना के तहत या इसी जो प्रोग्राम होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से लिख प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति आपको दिख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की महारानी मैक्सिमा के साथ द्विपक्षीय संबंधों का चर्चा किया? ब्रिटेन की है, अमेरिका की है, नीदरलैंड की है, रूसिया। तो ये नीदरलैंड की है जो कि महारानी है, मैक्सिमा इनका नाम है। द्रौपदी मुर्मू को आपको पता होगा अभी राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति है अपनी और उड़ीसा से बिलोंग करती है, आदिवासी पहली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महारानी मैक्सिमा ने भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों का विभिन्न पहलू चर्चा करी और महारानी मैक्सिमा ने 29-31 अगस्त तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा की, ठीक है, अपने भारत के अंतर्गत। पिछले साल भारत और नीदरलैंड के वर्चुअल समिट के दौरान पानी का रणनीति साझेदारी शुरुआत की थी। इसके संबंध में बता दूं, भारत और नीदरलैंड के राजनीतिक संबंध 1947 से हैं और दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक संबंध हैं। द्विपक्षीय संबंधों में 3 स्तंभ हैं, जल, कृषि और स्वास्थ्य को लेकर के। 2021 में नीदरलैंड जो है भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें मैंने डिटेल वाइज आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर,
थर्ड क्वेश्चन आपके सामने जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किस व्यक्ति ने 137.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? आपको देख रहे होंगे तो ये ना कोई अंबानी है ना कोई धीरूभाई है, मुकेश अंबानी, ये सभी गलत हो जाते हैं, मोहित अंबानी भी नहीं है, गौतम अडानी आपको दिख रहे होंगे, विश्व के अंतर्गत है, ठीक है, जेफ बेसोस के बाद और एलोन मस्क के बाद, ठीक है, एलोन मस्क फर्स्ट है, जेफ बेसोस सेकंड पे, थर्ड नंबर पर हमारे भारतीय हैं गौतम अडानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहाँ से, गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स रैंकिंग, ये इसके BBI के द्वारा रैंकिंग तैयार की जाती है, तीन में से पहुंचे तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले एशियाई बन गए हैं पहले, और उन्होंने फ्रांस के बर्नर्ड आर्नोल्ड को पीछे पछाड़ा, और अब ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स में अमेरिका का एलोन मस्क जेफ बेजोस से पीछे हैं। एलोन मस्क 251 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति बने, और ब्लूमबर्ग बिल्डिंग इंडेक्स में बर्नर्ड आर्नोल्ड और बिल गेट्स क्रम चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। मुकेश अंबानी, अजीम प्रेम जी, शिव नादर, इनको सब जानते होंगे, 11वें, 47वें और 54वें स्थान पर रहे। गौतम अडानी ने अकेले 2022 में अपनी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर जोड़े हैं, और फरवरी 2022 में उन्होंने अंबानी को एशिया का सबसे व्यक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया था। अंबानी भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बंदरगाह, हवाई अड्डा, संचालक या फिर गैस वितरक, कोयला खनिज का है, ठीक है, कौन? अंबानी जो है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी चीज में ये मतलब वही है, अपनी पार्टनरशिप कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, ठीक है। किसकी रजत जयंती के अवसर पर केंद्रीय मुख्यमंत्री मनसुख मांडविया ने शहीदाम 2.0 ऐप लॉन्च किए? तो NCP, BSF, CRPF या NPP? तो NPP इज द राइट आंसर हो जाता है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में बता दूं कि शहीदाम 2.0 ऐप के स्विफ्ट रिएक्शन के वाक पहचान करना, शेयर बटन, दवाइयों को बुक मार्किंग, मैं कल भी कराया था ये, औषधियों को जो देश के अंदर जितनी भी दवाइयों उनको सभी को मेंटेनेंस करता, मतलब कुल मिलाकर वो इसकी इस द्वारा ही ये देख रेख की जाती है, उसके अंडर ही काम होती है, ठीक है, और सभी चीजें मैंने लिख रखी है। ये 29 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में अपनी रजत जयंती बनाई थी, इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है, और इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया एट द 100 के लिए रोड मैप जारी किया? इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, राजनाथ। तो पीएम मोदी द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है, इंडिया एट द 100 के लिए रोड मैप। इसके बारे में बता दूं, इंडिया 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप 2047 तक का ये मतलब की टारगेट दिया गया है, भारत की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रूपरेखा है, ठीक है। इसमें रोड मैप में पीएम मोदी, पीएम के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी के उपस्थिति जारी की गई। इंडिया एट द 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, हवाई बिजनेस के लिए डेकोरन कैटल सहयोग प्रयास कर रही है, ठीक है। इसमें यह प्रोफेसर से माइकल ई पोर्टर द्वारा विकसित प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे पर आधारित इंडिया एट द 100 का लिए रोड मैप मुख्य बिंदु नीचे दिए, कौन कौन से? जैसे कि 4S मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित, 4S मार्गदर्शक सिद्धांत, समृद्धि की वृद्धि के सामाजिक प्रगति के अनुकूल बनाना। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना ध्यानपूर्वक, नोट कर लेना सभी चीजों को, ठीक है, और मैंने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री जनधन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 8 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, तो 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसको लेकर के मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि PMJDBI कहा जाता है, तो यह 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी पीएम मोदी द्वारा, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन है, इसमें सामाजिक आर्थिक सभी चीजों को देखा जाता है, सभी वर्गों के लिए होती है, और जो ये योजना है इसमें एक राष्ट्रीय मिशन है जो बैंकिंग, बचत और जमा खातों, भेजी गई रकम, क्रेडिट, बीमा इत्यादि जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए करता है। इसमें 6 स्तंभ आधारित है, जैसे जिसमें बैंकिंग सेवा वंचित लोगों को जोड़ना, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण करना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आदि शामिल करना। पहले वर्ष के दौरान 17.90 करोड़ सब जो ये लॉन्च हुई थे, तो 17.90 करोड़ टोटल खाते खुले थे, लेकिन 10 अगस्त 2022 तक इसकी 46.25 करोड़ की खाते खुल चुके हैं अभी तक की, ठीक है। मैंने बता दिया प्रॉपर तरीके से, इसका उद्देश्य है फ्लैक्सी, आवर्ती जमा आदि जैसे माइक्रो निवेश और माइक्रो क्रेडिट तक पीएम जो योजना है खाता धारकों के लिए बहुत बेहतर बना है, बनाना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकता है कितना है,
क्या है, कितने खाते, अभी तक लास्ट रिपोर्ट जो 22 अगस्त तक की है, 2022 तक की मैंने दे दी आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये राजस्थान में शुरू हुआ, आपको दिख रहे होंगे गहलोत साहब जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया, और ग्राम ओलंपिक में पूरे राजस्थान के 44,000 गांव और 30 लाख लोगों की भागीदारी देखने की उम्मीद है। 30 लाख प्रतिभागियों में 9 लाख महिलाएं हैं। इन खेलों में वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और खो खो शामिल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजों को आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है और सभी चीजें इंपोर्टेंट है। कहाँ पर ये योजना किसके द्वारा, किस मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना शुरू की गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर अपने पर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये राजस्थान है, तेलंगाना है, नागालैंड है, बेंगलुरु है। तो नागालैंड इज द सी इज द राइट आंसर हो जाता है, जहां पर दूसरा रेलवे स्टेशन खोला गया है, ठीक है। ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगर आपको पता नहीं हो तो समझ लो, ठीक है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनकी राजधानी। 100 साल के अंतराल के बाद नागालैंड के दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, और सोखोवी रेलवे स्टेशन इसका नाम है। डोनी पोलो एक्सप्रेस को राज्य मुख्यमंत्री नेफ्यू और यहाँ के मुख्यमंत्री जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो नेफ्यू और उन्होंने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन प्रतिदिन असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच चलेगी। पहले रेलवे स्टेशन दीमापुर, दोमीपुर रेलवे स्टेशन में 1930 में स्थापित किया, 1903 में स्थापित किया गया। तो 100 साल से ज्यादा हो गए, 120 साल हो गए, 119 साल, ठीक है। तो दूसरा स्टेशन खोला गया नागालैंड में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वहां के सीएम, उसकी राजधानी, उसके राज्यपाल, ये सभी चीजें जानकारी होनी चाहिए आपको मेरे भाई। सेवन सिस्टर में आता है। कौन सा शहर एशियाई प्रांत क्षेत्र के शीर्ष तकनीकी हब की सूची में दूसरा स्थान पर रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु, चंडीगढ़, कश्मीर, पंजाब। तो ये बेंगलुरु इज द राइट आंसर हो जाता है, एशिया प्रांत क्षेत्र की बात हो रही है अपना बेंगलुरु, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बारे में बता दूं, क्रुशमैन एंड वेकफील्ड ने टेक सिटी द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियलिटी स्टेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें इसने दुनिया भर के 115 से अधिक विभिन्न टेक शहरों को अध्ययन किया, और रिपोर्ट के अनुसार बता दूं, स्थान निर्धारित करते समय तकनीकी कंपनियों के लिए प्रतिभा एक स्मारक महत्वपूर्ण कारक है। प्रतिभा रियल एस्टेट और बिजनेस एनवायरनमेंट मैट्रिक्स 14 मानदंडों के आधार पर 46 शीर्ष तकनीकी बाजारों को पहचान की गई। इसमें 15 वैश्विक अर्थव्यवस्था सूचना और संचार में रोजगार लगभग 23 मिलियन श्रमिकों की वृद्धि हुई। एशिया प्रांत एस्टेक हब सूची बीजिंग शीर्ष स्थान पर रहा है, बीजिंग, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बीजिंग, जो सबसे ऊपर स्थान पर रहा है। कहाँ कहाँ क्या है बीजिंग? ये चीन की राजधानी कौन सी है? इंपोर्टेंट है, तुरंत समझ जाओगे। तो जो एपीएससी के 14 शहरों की सूची में मुंबई, पुणे 8वें स्थान और 9वें स्थान पर रहे। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद ने अपनी सूची में जगह बनाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा बन गया है बाजार के लिए। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ऑफिस लीजिंग सबसे बड़ा योगदान करताओं में से एक बना है फिलहाल बेंगलुरु। तो इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है बेंगलुरु ही एशिया के अंतर्गत आया है, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल जैक जेके कॉप लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये कब से हुए हैं, क्या हुए हैं, आपको पता होगा कि 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था राज्य के बाद, ठीक है। जेके कैप यह एक मतलब कि कुल मिलाकर ऑनलाइन सुविधा है और एफआईआर के लिए होती है, एक प्रिंट डाउनलोड करने के लिए सेवाओं का ही उपयोग कर सकते हैं। इसमें इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारी सत्यापन, किराएदार पीजी सत्यापन जैसी सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं। ऐप की मदद से लापता व्यक्तियों और अज्ञात सबूत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो जेके ऐप है। जेके तो पता लग रही हो, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नागरिक इस ऐप का उपयोग चलाना चालान का भुगतान करने और यातायात उल्लंघनों, घटनाओं, दुर्घटनाओं की रिपोर्ट के लिए जारी कर सकते हैं। ऐप की मदद से नागरिक राष्ट्रीय पति राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं, और इससे पुलिस विभाग पर बोझ कम पड़ेगा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर क्या
या किस चीज की जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, उससे रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैंने पॉइंट किए हैं, इन सभी को लिख लेना। पीडीएफ को मैं शेयर कर देता हूँ ऑन टेलीग्राम पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्रातः सुबह 6 बजे मेरी आ जाती क्लास, उसके बाद 11 बजे मैं पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे अमित सर जी के नाम से, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, नहीं तो लिंक दे दूंगा, लिंक दे दिया करूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से प्राप्त करके उसको क्लिक करके सीधा टेलीग्राम खोल करके सीधा डाउनलोड कर सकते हो उसे। और बाकी की टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी, सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो बच्चा हरियाणा से रिलेटेड तैयारी कर रहा है जीके से, और प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को, तो वो प्रॉपर तरीके से मेरी इस क्लास को भी ले सकता है। ठीक है, और ज़्यादा बात नहीं करते हुए यही कहूँगा कि विषु अफेयर्स की क्लास भी चलेंगी आज, और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सभी पेपरों के लिए भी। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।